चलिए तो बुलेट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी कई कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसकी कई कॉपी कर ली है। इसके बाद में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप इस नंबरिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए बुलेट्स में हमारा इस तरह से बुलेट्स हमको दे जाता है। हमें और भी बुलेट्स चाहिए तो आप इस किनारे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर गाइस? मान लीजिए आपको बुलेट्स की जगह नंबरिंग चाहिए तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी अगर आपको कई ऑप्शन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पे देखिए यहां पे नंबरिंग दिया हुआ है और यहां पे हमें रोमन में भी दिया हुआ है और यहां पर हमें एबीसी में भी दिया हुआ है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको जैसा ठीक लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर गाइस? तो चलिए ये हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम जाते हैं अलाइनमेंट में। देखिए हमारा मैटर यहां पर सेलेक्ट है, मान लीजिए आप इसे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा मैटर लेफ्ट साइड जाता है और आप इसे क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर राइट साइड, और बीच में अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर सेंटर में होगा। इसके लिए आप कंट्रोल एल बटन यूज करेंगे जो कि हमारा लेफ्ट है, इसके लिए आप कंट्रोल ई बटन यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटर में है, और इसके लिए आप कंट्रोल आर बटन यूज करेंगे ताकि हमें राइट साइड भेज सकें, और इसका यूज हम जस्टिफाई के लिए करते हैं। ठीक है, जस्टिफाई के लिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। मान लीजिए मैंने इस प्रकार से कुछ लिख लिया और हम चाहते हैं कि एक बराबर लाइन में आए तो आप इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहां पर से जस्टिफाई में जाकर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा जो लाइन है बिल्कुल एक बराबर लाइन में आ जाता है। क्लियर गाइस? तो जस्टिफाई का यूज हम बराबर लाइन में लाने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा कॉलम का आता है तो आप इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप वन कॉलम है तो वन में तो हमारा वन ही रहेगा, टू कॉलम में अगर करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए हमारा मैटर दो कॉलम में आ जाता है। मान लीजिए आप थ्री कॉलम में रखना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर तीन कॉलम में आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया हमारा कॉलम का। चलिए अब इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है लाइन स्पेसिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें 1.5 की गैप चाहिए लाइन का तो आप इस पर क्लिक करिए। देखिए थोड़ा सा लाइन की गैप आपको मिलेगी, अगर आपको और चाहिए तो आप दो में रख सकते हैं, आपको जितना चाहिए आप उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे वन में कर लें दोबारा तो इस प्रकार ये हमारा लाइन स्पेसिंग भी क्लियर होता है। इसके बाद हमारा आता है ये टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन में हम देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। मान लीजिए मैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री में करूं तो हमारा मैटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए 90 डिग्री में, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसा करूं तो इस साइड मूव करके हो जाता है। क्लियर गाइस? ऐसा अगर करना चाहे तो ऐसा भी आ सकता है। तो ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का है, मैं इसे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में कर लेता हूं। इसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है अलाइनमेंट टॉप मिडिल और बॉटम का। चलिए गाइस
अब इसे समझाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से सीट लेता हूँ और यहाँ पर मैंने सोनी कंप्यूटर टाइप कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे इसे अच्छे से समझना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप टॉप में है तो आप इसे मिडिल में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। मान लीजिए आप बॉटम में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। तो आप इसका यूज तो करना आसानी से समझ गए होंगे। क्लियर गाइस। चलिए इसके बाद में आता है हमारा ये वाला ऑप्शन। इसके लिए आप मान लीजिए आपने इस प्रकार से इसे लिख लिया, लिख लेने के बाद आप इस स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। स्मार्ट आर्ट में आप जाने के बाद में आपको जैसा अच्छा लगता है आर्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो मैटर है उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए हमने ऐसा सेट करना है तो आप इस पर सेलेक्ट करिए, आपको ऐसा अगर अच्छा लगता है तो आप इस पर सेलेक्ट करिए, आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, आपका मैटर वो इस प्रकार से इस इमेज के साथ सेट कर देता है। क्लियर गाइस। चलिए तो ये तो हमारा क्लियर हुआ, ये हमारा स्मार्ट आर्ट का हो गया, स्मार्ट ग्राफिक्स। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।